हरियाणा सरकार ने अंग्रेजों के 120 साल पुराने कानून को बदल दिया है और पीएलपीए यानी पंजाब भू परीक्षण विधेयक 2019 को विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद विधानसभा ने पास कर दिया है। कानून में हुए संशोधन के बाद अब अरावली फॉरेस्ट रेंज में भी निर्माण कार्य हो सकेंगे, जिससे गुस्साए बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एलन पार्सन ने कहा है कि वे अरावली को बचाने के लिए लंबे समय से लड़ रहे हैं, इसलिए इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ याचिका दायर करेंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार को एक बाबा और भूमाफियाओं ने मिलकर खरीद लिया है। बाबा ने भी सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी है। पराशर ने हरियाणा सरकार पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा है कि अरावली की पहाड़ियां दुनिया की सबसे पुरानी रेंज है। और मेरा कहना ये है कि जो पीएलपी एक्ट बनाया, मैं इसको जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूंगा और इसके खिलाफ स्टे लूंगा। ये सरकार की जनहित की का एक्ट नहीं है। चंद लोगों को खुश करने के लिए सरकार ने करोड़ों एनसीआर के आदमियों के जीवन को ताक पर रखा है। इससे पॉल्यूशन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी और पर्वत महल बनाने के लिए नहीं होते, जंगली जानवर रहने के लिए होते हैं। पर्वतों पर जंगली जानवर रहते हैं, इंसान के लिए नहीं रहते हैं।